गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो कल के दिन सबसे बड़ी जो खबर रही वो रही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए, यानी कि कल भर्ती घपले में ना सुर्खियों में रह के कल आयोग रहा अपने नए अध्यक्ष के बारे में। जी हाँ, गणेश मार्तोली बने हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष। इससे पहले अब जो ये पद खाली था एक ऑलरेडी यहाँ पर जो आयोग के सीनियर पर्सनल थे वो जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए थे। फाइनली अब अध्यक्ष भी जो है आयोग को मिल गया है, सचिव भी मिल गया है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी मिल गया है आयोग को। लेकिन अब एग्जाम होंगे आपके लोक सेवा आयोग से। आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरी चीजें चल रही हैं। तो फिलहाल यहां पर सरकार में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जीएस मार्तोलिया को आयोग ने नया अध्यक्ष नियुक्त जो है कर लिया है। अब देखना यह है कि किस तरह से ये अपना जो है कामकाज आगे बढ़ाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। और वाकई में क्या ये आयोग के ऊपर जो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इससे पहले डॉक्टर प्रकाश थपलियाल जो है बतौर कार्यकारी अध्यक्ष ये काम जो है देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिला आरक्षण को लेकर। तो महिला आरक्षण को लेकर अध्यादेश पर जो है उत्तराखंड कैबिनेट में सहमति बन गई है। कल जो है कैबिनेट की बैठक हुई जहां पर 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनमें से जो है अध्यादेश को लेकर यहां पर जो है यानी कि महिला आरक्षण अध्यादेश को लेकर यहां पर सहमति बन गई। अब 30% क्षेत्रीय आरक्षण बरकरार रखने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही तमाम और भी यहां पर जो है डिसीजन लिए गए। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्तोलिया की ताजपुर से गृह क्षेत्र में बहुत खुशी हुई, यानी कि जो ये आप देख सकते हैं गणेश सिंह मार्तोलिया जो है बागेश्वर जिले के कपकोट के हैं। तो इट विल बी ऑल्सो प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूं। अब ये देखना ही है कि किस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर काला धब्बा लगा हुआ है और वो इसको किस तरह से आगे लेके जाते हैं ताकि नए जो जनरेशन आने वाली है यूथ की, उसका जो भरोसा जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर जो है बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे सरकार के नए अध्यादेश से जो है टिकी है समूह गौ की भर्तियों की राह। इसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो है लेखपाल का, जिसका जो है विज्ञापन कुछ ही घंटों बाद यानी कि ऑलमोस्टली आज 13 तारीख हो गई है, कल जो है यहाँ पर जो है आने वाला है। तो आप देख सकते हैं 14 को जारी होना है पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन। आरक्षण पर जो है अभी भी असमंजस यहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा फिर अगली जो भर्ती है वन आरक्षी है। तो आप देख सकते हैं पटवारी लेखपाल के बाद राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 21 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी होगी यहाँ पर वन आरक्षी की, जिसमें 894 पदों पर भर्ती की जाएगी। वन आरक्षी भर्ती की परीक्षा 22 जनवरी को प्रस्तावित है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएस रावत जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा कि पटवारी लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले बोर्ड ने बैठक होगी, इस बैठक में ही महिला आरक्षण सहित सभी बिंदुओं पर निर्णय होगा। संभावित तौर पर 14 को पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं इन्होंने कल की बात है तो पता नहीं कल इन्होंने बैठक की या नहीं की फाइनली, लेकिन इनका कहना है कि जो है लेखपाल पटवारी का जो फॉर्म है वो जारी करने से पहले जो है यहाँ पर एक बैठक ली जाएगी। 554 पदों पर यहाँ पर जो है विज्ञापन जारी होना है। तो महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर जो 30% क्षैतिज आरक्षण है की वजह से असमंजस बनी हुई है। कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने का निर्णय हुआ है, जिस पर समूह गौ की सभी नई भर्तियों की राह भी जो है टिकी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से महिला आरक्षण हटाते हुए जल्द ही पीसीएस प्री का भी रिजल्ट जारी करने को कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। महिला आरक्षण पर कोर्ट ने जो है पूरी तरह से रोक लगा दी है और समूह गौ की नई भर्तियों में आरक्षण चार्ट को लेकर भी अभी तक जो है असमंजस बनी हुई है, जबकि 2 दिन के बाद ही आप कह लीजिए या फिर 24 घंटे के बाद जो है लगभग जो है पटवारी और लेखपाल का जो है आपका नोटिफिकेशन जारी होना है। हालांकि ये जिस तरह से रिजल्ट जारी हुआ था शाम को ही आएगा और अब देखना यह है कि किस तरह से उन्हें उसमें नए रोस्टर को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है क्षेत्रीय आरक्षण को, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो कुछ देर का आपको इंतजार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नर्सों के भर्ती
को लेकर तो आप देख सकते हैं नर्सों के 2800 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार दाखिल कर रही है जवाब। दोनों विभागों के नियमावली में भी हो चुका है बदलाव। आपने देखा होगा कि 3 बार इसका एग्जामिनेशन रिटर्न, यानी कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो आने के, उसकी डेट आने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद वो जो है पोस्टपोन हो गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार जो कि सचिव स्वास्थ्य हैं, उन्होंने क्या कहा है कि राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में भी केस दायर किया गया है। न्याय विभाग के परामर्श के बाद ही कोर्ट भी इस संदर्भ में अवगत कराया जा रहा है। दिवाली के बाद नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि आप देख सकते हैं 2800 पदों के लिए जो है दिवाली के बाद आपको जो है नर्सों की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहां पर भी जो है श्रेष्ठता के आधार पर बात की जाए तो आप इससे 3 साल पहले नर्सों की भर्ती परीक्षा के जरिए कराने का निर्णय हुआ था। इसके लिए विज्ञप्ति निकली हुई थी लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई है। आपने देखा होगा 3 बार लगातार इसका जो है एडमिट कार्ड आया लेकिन फिर भी ये भर्ती नहीं हो पाई है। जी हाँ, बात करेंगे भर्ती घपले को लेकर तो चुहाल जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुहाल ने माना है कि प्रदेश में जिस तरह से घोटाले हुए लगातार, चाहे वो विधानसभा के बैकडोर की भर्तियाँ हों, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियाँ हों, इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार की छवि धूमिल हुई है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैं और भर्तियों के बारे में। भर्तियों के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल होगा, ये कहना है सेवा आयोजन और कौशल विकास मंत्री राजेश बहुगुणा का। इनका जो मेनली है, कल आपने देखा होगा, आउटसोर्सिंग एजेंसी को भी अब उपनल की तरह काम किया जाएगा। कल के कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं जो सेवा आयोजन मिनिस्टर हैं सौरभ बहुगुणा, उनका क्या कहना है कि आउटसोर्स भर्ती के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था तैयार की गई है। इसके लिए तेलंगाना, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों की आउटसोर्स व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। इन 5 राज्यों की आउटसोर्स व्यवस्था के बेहतर बिंदुओं को लेते हुए उत्तराखंड के लिए पारदर्शी आउटसोर्स व्यवस्था शुरू की जा रही है। नई व्यवस्था से राज्य के सभी युवाओं को नौकरी के लिए जो है बराबर अवसर जो है दिया जाएगा। अब ये देखना है कि किस तरह से ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था काम करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर आउटसोर्सिंग का और उपनल से जो आउटसोर्स करने का काम चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत गड़बड़ झाला है। तो गाइस ये रही आज की बड़ी खबरें। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर परिवार आए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।